हेलो बच्चों। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग की, और हमने आपको बताया था कि कैसे दो बॉडीज को बिना टच कराए भी हम आपस में चार्ज करा सकते हैं। दो बॉडीज को बिना टच कराए भी आपस में चार्ज किया जा सकता है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, ठीक है। और उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करने स्टार्ट किए थे। उम्मीद है कि वो प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आई होंगी। एक दो प्रॉब्लम हमने आपको बताई थी बेटा, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बात करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, और देखिए आगे क्या कंसेप्ट हमारा रहने वाला है। कल एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। एक बार हम फिर उस प्रॉब्लम को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी बेटा। प्रॉब्लम ये थी कि तीन प्लेटें हम लोगों को दी गई हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट ये है। थ्री प्लेट्स हमारे पास में है। यहाँ का चार्ज हमें दिया है प्लस के 3 कूलम, यहाँ का चार्ज है प्लस के 5 कूलम, और यहाँ का चार्ज है प्लस के 2 कूलम। थ्री प्लेट्स हमारे पास में है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और ये प्लेट सी है। आपको बताना है कि इन तीनों प्लेट्स के दोनों तरफ कितना चार्ज रहने वाला है। इन तीनों प्लेट के दोनों तरफ कितना चार्ज रहने वाला है। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि काम करने का तरीका क्या है। काम करने का तरीका यह है कि आप तीनों प्लेट के चार्जेस को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप तीनों प्लेट के चार्जेस को ऐड करिए। 3 + 5 + 2 / 2 = 5 कूलम। हमें क्या करना है बेटा, हमें तीनों प्लेट के चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बना हमारे पास में 5 कूलम, यानी इस प्लेट की आउटर साइड में रहेगा 5 कूलम, और यहाँ इस प्लेट की आउटर साइड में भी हमारे पास में रहेगा 5 कूलम। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई हो और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना हो बेटा, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 3 कूलम टोटल चार्ज है और यहाँ 5 कूलम है, तो यहाँ कितना चार्ज रहने वाला है। यहाँ रहेगा बेटा आपका माइनस के 2 कूलम, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का जो सम है वो इतना रहना चाहिए। 5 कूलम और माइनस के 2 कूलम, ये बन जाएगा आप लोगों को 3 कूलम, ठीक है। इन दोनों का सम इस चार्ज के इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यह है 5 कूलम, टोटल चार्ज है 3 कूलम, टोटल चार्ज है 2 कूलम, सॉरी। तो देखिए अंदर की तरफ हम कितना चार्ज रखें कि इन दोनों का सम हमारा ये बन जाए, तो हम यहाँ रखने वाले हैं माइनस के 3 कूलम। -3 + 5, ये बन जाएगा हमारे पास में +2। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई हो। इस -2 कूलम को देखकर यहाँ आएगा प्लस के 2 कूलम, और इस -3 कूलम को देखकर यहाँ आएगा प्लस के 3 कूलम, 3 कूलम और 2 कूलम, 5 कूलम। इस तरीके से तीनों प्लेट की दोनों साइड में हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यह है हमारा इंडक्शन मेथड, जिसका यूज करके हम प्लेट्स के दोनों तरफ चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ आई होगी आप लोगों को ये प्रॉब्लम। प्रीवियस क्लास में भी हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, और अब भी हमने इस क्वेश्चन को बनाया है बेटा, ठीक है। ओके, अब वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, गौर से देखिएगा बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में यह है कि यहाँ हमें एक चार्ज दिया गया है +q कूलम, ठीक है। और यह है पूरा हमारे पास में स्पेरिकल शेल। दिस इज स्पेरिकल शेल, ये बेटा हमारे पास में है स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल, ठीक है। आपको बताना है कि इस स्पेरिकल शेल के अंदर की तरफ यानी यहाँ पर कितना चार्ज होगा, और बाहर की तरफ यानी यहाँ पर यहाँ कितना चार्ज होगा, ठीक है। ये पूरा गोला है बेटा, स्पेरिकल शेल पूरा खोखला गोला है, जिसके सेंटर पे हमने +q चार्ज रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आपको ये बताना है कि अंदर की तरफ कितना चार्ज होगा और बाहर की तरफ कितना चार्ज होगा। अभी आप ये देखिए, स्पेरिकल शेल पर अभी कोई चार्ज नहीं है। इस +q को देखकर यहाँ आ जाएगा -q, इस +q को देखकर यहाँ अंदर की तरफ -q आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा। यानी इस +q को देखकर यहाँ अंदर की तरफ पूरे में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, पूरे में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव की वैल्यू होगी -q, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ अंदर की तरफ नेगेटिव आया है तो डेफिनेटली बाहर की तरफ बिल्कुल इतना ही पॉजिटिव आया होगा इंडक्शन मैथड की वजह से। ये इंडक्शन मैथड की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ध्यान रखिएगा।
अगर अंदर की तरफ माइनस क्यू चार्ज आया है तो बाहर की तरफ बिल्कुल इतना ही प्लस क्यू चार्ज आया होगा। इस प्लस क्यू को देखकर यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू और बाहर की तरफ आ जाएगा हमारे पास में प्लस क्यू। इस तरीके से स्फेरिकल शेल पर इंडक्शन मेथड काम करेगा। उम्मीद है कि आप लोग बात समझे होंगे और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा हमारे पास में क्या होगा। देखिए एक शेल हो गया हमारे पास में, ये एक शेल है हमारे पास में ये, और एक शेल है हमारे पास में ये, ठीक है। देखिए अब देखो बेटा ध्यान से, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है प्लस के फाइव क्यू, यहाँ चार्ज है प्लस के सेवन क्यू, ठीक है। इस स्पेयर का नाम है ए, स्पेयर का नाम है बी, इस स्पेयर का नाम है सी, ठीक है। आपको बताना है ये जो ए वाला स्पेयर है इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कितना चार्ज आने वाला है। ये जो ए वाला गोला आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि इस ए वाले गोले के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कितना चार्ज आने वाला है। देखिए बेटा ध्यान से, ए गोले पर आपको प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, ये प्लस क्यू इस पूरे गोले पर फैल गया ऐसे। इस प्लस क्यू को देखकर, ये पूरा प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को देखकर यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू, यानी बी के अंदर की तरफ, बी के अंदर की तरफ यहाँ आ गया है माइनस क्यू। समझ आ रही बात। अब आप मुझे ये बताइए कि बी पर टोटल चार्ज कितना है। बी पर टोटल चार्ज है फाइव क्यू, अंदर की तरफ आ गया है माइनस क्यू, तो बाहर की तरफ हम कितना चार्ज रखें जिससे कि इन दोनों का सम इसके इक्वल रहे। अंदर की तरफ है माइनस क्यू, मैंने बाहर की तरफ रखा सिक्स क्यू, सिक्स क्यू और माइनस क्यू को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा फाइव क्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बात। आगे भी और एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे तब भी हमारा कुछ कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो आगे, यहां आया 6q, इस 6q को देखकर यहां आ जाएगा माइनस के 6q। अब आप देखो कि बड़े वाला जो गोला है उस पर टोटल चार्ज है 7q, अंदर की तरफ आ चुका है माइनस के 6q, तो बाहर की तरफ आएगा बेटा हमारे पास में प्लस के 13q, प्लस 13q और माइनस के 6q, ये बन जाएगा हमारे पास में 7q। तो जो सबसे छोटे वाला गोला था इसके अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं आएगा, जीरो चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इस प्लस क्यू की वजह से इस गोले के अंदर की तरफ यानी यहाँ पर, यहाँ आ गया है माइनस क्यू, बाहर की तरफ आ गया है प्लस के सिक्स क्यू, प्लस के सिक्स क्यू, इस प्लस सिक्स क्यू को देखकर यहाँ आ गया है माइनस के सिक्स क्यू और बाहर की तरफ आ गया है प्लस के थर्टीन क्यू। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उस एग्जाम्पल के बाद में आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल क्या रहेगा। पहले आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या रहने वाला है। भाई ये सबसे छोटे वाला स्पेयर है, ये इसे थोड़ा बड़ा स्पेयर है, ये इसे थोड़ा बड़ा स्पेयर है। तीन स्पेयर हम लोगों को गिवन दिए गए हैं। ये स्पेयर ए है, ये स्पेयर बी है और ये स्पेयर सी है। यहाँ चार्ज हम लोगों को दिया गया है प्लस क्यू, यहाँ भी दिया गया है प्लस क्यू और यहाँ भी दिया गया है प्लस क्यू। ये बेटा आपके पास में ना स्पेयर्स हैं, गोले हैं, पूरे स्पेरिकल शेल्स हैं। आपको बताना है कि कुछ देर के बाद में क्या होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को देखकर इंडक्शन मेथड करता है और इंडक्शन मेथड से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ चार्ज आ जाता है। तो तीनों गोलों पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कितना चार्ज आ जाएगा हम लोगों को ये बताना है। अब आप ये देखिए बेटे, यहां है पॉजिटिव चार्ज प्लस, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है यहां पर प्लस, इस प्लस क्यू को देखकर यहां आ जाएगा माइनस क्यू, इस प्लस क्यू को देखकर यहां माइनस क्यू आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इस प्लस क्यू को देखकर यहां आ गया है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू आ गया। अब देखो बाहर की तरफ यानी यहां मैं कितना चार्ज रखूं, यहां की तरफ मैं कितना चार्ज रखूं जिससे कि इन दोनों का सम इतना आना चाहिए। तो बेटा मैं यहां की तरफ रखूंगा 2q, क्योंकि माइनस क्यू और 2q प्लस क्यू बन जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये है हमारे पास में 2q, इस 2q को देखकर यहाँ आएगा माइनस के 2q, इस प्लस 2q को देखकर इस गोले के अंदर की तरफ आ जाएगा माइनस के 2q। मैं बाहर की तरफ कितना चार्ज रखूं कि इन दोनों का सम इतना आना चाहिए, तो हम यहाँ रखेंगे प्लस 3q, प्लस 3q और माइनस के 2q हमारा q बन जाएगा। इस तरीके से किसी भी स्फीयर के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बड़े आराम से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहेगा चार्ज को निकालने का तरीका किसी भी गोले के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसके बाद में इसका काम फिनिश हो जाएगा। बेटा देखो, जैसे यहाँ चार्ज है मेरे पास में प्लस क्यू और यहाँ चार्ज है प्लस के 6q, तो आप देखो ये जो प्लस क्यू है ना, ये इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे सरफेस के ऊपर। यानी बाहर की तरफ प्लस क्यू है, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, अंदर की तरफ जीरो चार्ज है। बेटा समझ आ रही बात? इस प्लस क्यू को देखकर यहां आएगा माइनस क्यू, प्लस क्यू को देखकर यहां माइनस क्यू आया। समझ आ रही बात? अब देखो टोटल चार्ज मुझे लेकर आना है इस पर इतना, तो मैं बाहर की तरफ कितना चार्ज रखूं कि इन दोनों का सम इतना आना चाहिए, तो मैंने बाहर की तरफ रखा प्लस 7q, प्लस 7q और माइनस के क्यू, आंसर आ जाएगा प्लस के 6q। इस तरीके से हम किसी भी स्पेयर के आउटर साइड में और इनर साइड में चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये हमारा तरीका होगा किसी भी स्पेयर के आउटर और इनर साइड में चार्ज को कैलकुलेट करने का। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि जितना इंडक्शन मेथड अभी तक मैंने आपको बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडक्शन मेथड क्या है? जहां दो बॉडीज को बिना टच कराए भी हम आपस में चार्ज कर सकते हैं। आपने देखा कि पूरा मैकेनिज्म कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे दो बॉडीज को बिना टच कराए भी आपस में चार्ज किया जा सकता है। अब ये तो हो गए इसके ऊपर कुछ बेसिक 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 प्रॉब्लम्स। अब इंडक्शन मेथड का बाकायदा एक फॉर्मूला हमारे पास में आता है, अब उस फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे बेटा कि वो फॉर्मूला क्या है, कैसे वो फॉर्मूला काम करेगा, ये वगैरह वगैरह ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिख देंगे, एक छोटा सा नोट पॉइंट आप बना देंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। हमारे पास में कॉन्सेप्ट है बेटा ये, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड में हमारे पास में एक बॉडी होती है जिस पर पहले से चार्ज होता है। हमने इस बॉडी को नाम दिया है ए और हमने कहा कि भाई इस बॉडी पर जो पहले से चार्ज है वो है क्यू, इस बॉडी पर पहले से इतना चार्ज है। इस बॉडी को बेटा हम नाम देते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। ये बॉडी हमारी इंड्यूसिंग बॉडी कहलाएगी। इसके बगल में एक दूसरी बॉडी रखी रहती है यहां पर, बॉडी बी। समझ आ रही बात? ऐसे बॉडी बी पर आधे हिस्से में आ जाएगा नेगेटिव और आधे हिस्से में आ जाएगा पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हमने इसे अर्थ से कनेक्ट करा दिया और जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कराया वो पॉजिटिव खत्म हो गया बॉडी पर। इस पॉजिटिव को देखकर यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आ रही बात? इस पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम कहेंगे बेटा क्यू डैश और इस बॉडी को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी। ये बॉडी हमारी इंड्यूस्ड बॉडी कहलाएगी। इस बॉडी का एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ध्यान से बेटा, इस बॉडी का एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, अब आप देखो अगर इस बॉडी पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर मैंने अर्थिंग करा दी और चार्ज आया क्यू डैश,
तो इस q डैश की वैल्यू निकालने का तरीका है बेटा हमारे पास में माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के। इंडक्शन मेथड में दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा उस चार्ज को कैलकुलेट करने का ये हमारा तरीका है बेटा। q डैश इज इक्वल टू माइनस के q, माइनस यानी ओपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, यहां अगर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा और यहां अगर नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा। Q का मतलब है इस बॉडी का चार्ज कितना है और K का मतलब है इस बॉडी का, इंड्यूस्ड बॉडी का, जिस बॉडी पर मैं चार्ज लाना चाहता हूँ उस बॉडी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होगा, वो K कहलाएगा। अब ये जो K है बेटा ये डिपेंड करता है, K डिपेंड्स ऑन मटेरियल, K डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जैसे कि एयर के लिए, एयर के लिए K की वैल्यू 1 होगी, वाटर के लिए K की वैल्यू होगी 81 और मेटल के लिए, मेटल के लिए K की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा उसे निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में ये, माइनस Q इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज, 1 माइनस 1 अपॉन के, के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इस बॉडी पर डिपेंड करेगा, और इस तरीके से हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ मात्र फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। तो भैया उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आई हो और यहाँ तक कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो, आप आराम से पूरी कहानी को कर पाए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग जानेंगे बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में ये आया, एग्जाम्पल नंबर 1 भाई ये है हमारे पास में एक ग्लास रॉड। ठीक है, ये हमारे पास में एक ग्लास रॉड है, इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है और इसका चार्ज आप लोगों को दे रखा है प्लस 100 कूलम। हमने इसके बगल में एक बॉडी को ला के रखा ऐसे, अब जैसे ही मैं इसके बगल में एक बॉडी को ला कर रखूँगा इस बॉडी पर आधा तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और आधा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए कि इस बॉडी पर जो चार्ज आया है वो है q डैश। अब इस बॉडी पर ये जो चार्ज आएगा ना q डैश बेटा ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि इस बॉडी के लिए k की जो वैल्यू है वो 10 है, k की जो वैल्यू है वो 10 है, तो इस बॉडी पर ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये कितना होगा हमें ये बताना है। और अगर मैं अर्थिंग करा दूँ ना यहाँ से, तो अर्थिंग कराने से ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अर्थ में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास में q डैश इज इक्वल टू माइनस q वन माइनस वन अपॉन के, q डैश इज इक्वल टू माइनस q वन माइनस वन अपॉन के, q डैश इज इक्वल टू माइनस q की वैल्यू है हमारे पास में 100, वन माइनस वन अपॉन k की वैल्यू है मेरे पास में 10, सो q डैश इज इक्वल टू माइनस के 100, वन माइनस वन अपॉन 10 यानी 9/10। इसको यहाँ से कैलकुलेट कैंसिल आउट करेंगे, आंसर बनेगा हमारे पास में माइनस के 90 कूलम, यानी अगर इस बॉडी पर 100 कूलम का चार्ज था बेटा तो इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो माइनस के 90 कूलम का चार्ज आएगा, यानी 90 कूलम का चार्ज आएगा। देखो इस बॉडी से हल्का सा कम चार्ज आया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये कंडीशन हमारे पास में रहेगी। एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ये है बेटा हमारे पास में, मान लो कि ये पूरी प्लेट है बेटा हमारे पास, ये पूरी प्लेट, ठीक है, प्लेट ऐसे है ऐसे ऐसे, और प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो है 100 कूलम्ब। ठीक है, प्लेट के जस्ट नीचे यानी यहाँ पर, यहाँ है वाटर, प्लेट के जस्ट नीचे यहाँ है वाटर, और आप जानते हैं कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये वाटर है,
वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे तो 81 होता है, लेकिन मैं 80 लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, ये वाटर है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ अगर प्लेट है और प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ है वाटर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर वाटर के ऊपर यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उस नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे क्यू डैश, और उसे निकालने का तरीका है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के। बड़ा यूनिक फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से बिल्कुल। अब आप देखो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस के क्यू, माइनस क्यू का मतलब यह है, देखो माइनस क्यू का मतलब यह है जिस प्लेट पर पहले से चार्ज आपको गिवन दिया गया था उस पर कितना चार्ज है, उस पर चार्ज है 100, ओके। वन माइनस वन अपॉन के की वैल्यू आपको दे रखी है 80, ठीक है। अब सिंपल आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ से आएगा माइनस के 100 और ये बनेगा आपके पास में 79 अपॉन 80 कूलम, इतना चार्ज हमारा निकल कर आएगा वाटर के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसकी वैल्यू हमारी इतनी रहने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कैसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कॉमन मटेरियल है, न्यूट्रल मटेरियल है, मेटल नहीं है, तो इस पर चार्ज अगर 100 है तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो 100 से हल्का सा कम चार्ज आएगा। जैसे यहाँ 100 कूलम था और इस पर जो चार्ज आया वो माइनस के 90 आया, यानी हल्का सा कम चार्ज आया है। यहाँ वाटर भी पर भी 100 से कम चार्ज आएगा बेटा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे अप्लाई करने वाले हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं बेटा, इसके अंदर जो थर्ड एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, उसकी हम बात करते हैं। ये एक बॉडी हमें पहले से दे रखी है जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, और आप जानते हो कि जिस बॉडी पर पहले से चार्ज होता है उस बॉडी को हम नाम देते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। ये बॉडी हमारी इंड्यूसिंग बॉडी कहलाएगी बेटा, ठीक है। ये है हमारी दूसरी बॉडी, ये हमारी दूसरी बॉडी है, और इस बार जो दूसरी बॉडी है वो मेटल की बनी हुई है, और बेटा मेटल के लिए के की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है, आप ध्यान रखेंगे। मेटल के लिए जो के की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी अगर पहली बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी बॉडी मेटल है, तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो बिल्कुल बराबर और ओपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। यहाँ अगर प्लस क्यू है तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू का चार्ज आएगा। इस तरीके से हम कंडीशन बनाएंगे बेटा, इसीलिए हम स्पेयर में या और कंडीशंस में आप लोगों से कह रहे थे भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, देखो ध्यान से, अगर इस प्लेट पर इधर प्लस के वन कूलम है, इधर प्लस के वन कूलम है, ठीक है, और ये हमारे पास में एक न्यूट्रल प्लेट है, तो क्या होगा न्यूट्रल प्लेट में, अगर यहाँ प्लस के वन कूलम होगा तो यहाँ आएगा माइनस के वन कूलम। इस प्लस के वन को देखो, ये जो प्लेट बनी हुई है ना, ये मेटल की प्लेट बनी हुई है, अगर यहाँ वन कूलम होगा तो इसे देखकर यहाँ माइनस के वन कूलम आएगा, और ये माइनस के वन कूलम है तो ये हो जाएगा प्लस के वन कूलम, क्योंकि प्लेट पर टोटल चार्ज जीरो है। बात समझ में आ रही है, यहाँ वन था तो यहाँ माइनस वन आया, बिल्कुल इक्वल चार्ज आया, क्योंकि ये प्लेट मेटल की बनी हुई थी। तो अगर दूसरी बॉडी मेटल की बनी हुई है, मेटल की कंडक्टिंग बॉडी बनी हुई है, तो जितना चार्ज यहाँ है बिल्कुल उतना ही चार्ज यहाँ आएगा, बट ओपोजिट नेचर का आएगा बेटा। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ आए हों। और जो दो मेथड किसी भी बॉडी के चार्ज करने के मैंने आपको बताए हैं, एक मेथड का नाम है रबिंग मेथड और एक मेथड का नाम है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, ये दोनों मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ आए हों, ठीक है, होप सो। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर थर्ड की, तीसरे मेथड की हम बात करेंगे, जिसका नाम है कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, यहाँ दो बॉडीज को टच कराकर हम चार्ज कराएंगे बेटा,
दो बॉडीज को आपस में टच कराकर हम चार्ज कराएंगे। इस मेथड का नाम है कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, ओके। इसके बाद आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए बेटा, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। और कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट करेंगे बेटा, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में ये आप नोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जल्दी से नोट करिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग काम करता कैसे है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज या कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग की। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया, और डायग्राम मत बनाइएगा, डायग्राम मैं खुद से बनवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, जैसे हमने इंडक्शन मेथड में दो सिचुएशन पढ़ी थी ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी दो सिचुएशन आपके सामने आएंगी। पहली सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है आपके पास में, यानी स्टेप वन क्या है, देखो ध्यान से। आपके पास में पहले से एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कुछ ऐसे। हमने इसे नाम दिया बॉडी ए। हमारे पास में यहाँ दूसरी बॉडी है, यह है बॉडी बी। ये बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल। अब आप ये देखिए, ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसका वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इस बॉडी का वोल्टेज होगा ज़ीरो, ठीक है। अगर ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, और अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो वोल्टेज भी ज़ीरो। स्टेप टू, हमने सेकंड स्टेप में क्या किया बेटा, हमने सेकंड स्टेप में इन दोनों बॉडीज़ को क्या तो आपस में कनेक्ट करा दिया। कनेक्ट कराने का मतलब ये है कि किसी वायर का यूज़ करते हुए हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में जोड़ दिया, या हमने दोनों बॉडीज़ को कॉन्टेक्ट में रख दिया। क्या तो दोनों बॉडीज़ को उठाकर ऐसे कॉन्टेक्ट में रख दो, या दोनों बॉडीज़ को किसी वायर का यूज़ करते हुए ज्वाइन करा दो। समझ में आ रही बात। अब आप देखो ज़रा, यहाँ का चार्ज है पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो बॉडी न्यूट्रल है, वोल्टेज ज़ीरो है। मैंने दोनों बॉडी को कनेक्ट किया ऐसे, तो बेटा करंट हमेशा पास होती है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये होगा हमारे पास में हाई पोटेंशियल, और ये होगा हमारे पास में लो पोटेंशियल। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि करंट हमेशा जाएगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट इस तरफ जा रही है, और जिस तरफ करंट जाती है पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाता है हमारा। जिस तरफ करंट जाएगी पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ देर के बाद में यहाँ से कुछ पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता है। यहाँ से कुछ पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, और तब तक वो वोल्टेज जाता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी थर्ड स्टेप में आप ये समझिए कि एक बॉडी के अंदर से निकलकर कुछ पॉजिटिव दूसरी बॉडी के अंदर चला गया, और जैसे ही दोनों का वोल्टेज सेम हो गया इस पर भी पॉजिटिव आ गया, इस पर भी पॉजिटिव आ गया। यानी जिस बॉडी पर पहले कोई चार्ज नहीं था, जो बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूट्रल थी, हमने उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करा दिया। इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इसे कंडक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, कंडक्शन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसमें दोनों बॉडी का कनेक्शन कराते हो। कनेक्शन क्या, तो दोनों बॉडी को आप आपस में टच कराते हो,
या दोनों बॉडी को किसी वायर का यूज करते हुए आप ज्वाइन करते हो, बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोलते हैं हम इसे कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज या कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। समझ आ रही बात? इसमें दोनों बॉडीज को कनेक्ट करना जरूरी है। जिस बॉडी का पोटेंशियल, जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है उसका वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, जिस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है उसका वोल्टेज होगा जीरो। जैसे ही हम दोनों को कनेक्ट कराएंगे, ध्यान से, जैसे ही हम दोनों को कनेक्ट कराएंगे, यहाँ से यहाँ जाएगी करंट, और जिस डायरेक्शन में करंट जाती है पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ तो पहले से पॉजिटिव था, कुछ पॉजिटिव यहाँ से यहाँ चला जाएगा और दोनों बॉडीज हमारी चार्ज हो जाएंगी। बच्चों ये मेथड हमारा कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है, जल्दी से आप नोट करिए। हम इसकी सेकंड फॉर्म आपको बताते हैं फिर। तो बच्चों अब हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में, फर्स्ट स्टेप ये है, एक बॉडी है हमारे पास में ए जिस पर है नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी ए है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है हमारे पास में बी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जो पूरी तरीके से न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप है। हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करा दिया, हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कराया, किसी वायर का यूज़ करके हमने दोनों बॉडीज़ को ऐसे आपस में कनेक्ट करा दिया। सबसे पहले तो आप ये समझे कि जैसे ही आप दो चार्ज बॉडीज़ को कनेक्ट कराओगे दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक है? पहले आप देखो, इसका चार्ज नेगेटिव है तो इसका वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, ये न्यूट्रल है इसका वोल्टेज होगा ज़ीरो। समझ आ रही बेटा बात? इसका चार्ज नेगेटिव तो इसका वोल्टेज भी नेगेटिव, ये न्यूट्रल है इसका वोल्टेज होगा ज़ीरो। नेगेटिव कहलाएगा अपने पास में लोअर पोटेंशियल, और जो ज़ीरो है वो कहलाएगा हायर पोटेंशियल, क्योंकि हम सब जानते हैं, बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम सब जानते हैं ज़ीरो नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इसीलिए ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। जैसे ही हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में जोड़ा ना बेटा, करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट जो पास होगी वो इस डायरेक्शन में पास होगी, करंट हमारी इधर जाने वाली है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव जाएंगे इधर, करंट जाएगी हमारी इधर, नेगेटिव जाएंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड में बेटा हमारे पास में, इस बॉडी पर तो हमारे पास में नेगेटिव था ही यहाँ से कुछ नेगेटिव दूसरी बॉडी पर भी चला जाएगा, और इस तरीके से दोनों बॉडीज़ हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी, दोनों बॉडीज़ हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। तो बेटा तीन मेथड हमने किसी भी बॉडी को चार्ज करने के पढ़े। पहले मेथड का नाम है रबिंग मेथड। इस मेथड का यूज़ हम यूजुअली तब करते हैं जब हमें किसी बॉडी को बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत टेम्परेरी बेसिस पर अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज कराना है तो हम यूज़ करेंगे रबिंग मेथड का। दूसरे मेथड का नाम है हमारे पास में, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, दूसरे मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक बॉडी पहले से चार्ज होती है, दूसरी बॉडी अनचार्ज होती है, दोनों को नज़दीक लाकर रखते हैं और इस बॉडी पर ओपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है, बिना टच कराए दूसरी बॉडी पर ओपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। और जहां टच कराकर अगर ये नेगेटिव है तो दूसरी बॉडी को भी हम नेगेटिवली चार्ज कराएंगे टच कराकर, इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। एक बार मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ का चार्ज नेगेटिव तो वोल्टेज भी नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव होता तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, न्यूट्रल बॉडी का वोल्टेज जीरो, बड़ा कौन हो गया, जीरो बड़ा हो गया, नेगेटिव छोटा हो गया, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। करंट जैसे ही दोनों को ज्वाइन कराएंगे आपस में, कॉपर के वायर का यूज़ करके या दोनों को टच कराकर, कुछ भी करके हमने दोनों को आपस में कनेक्ट करा दिया बच्चों, जैसे ही कनेक्ट कराएंगे करंट जाएगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
और नेगेटिव जाता है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ नेगेटिव यहाँ से यहाँ चला जाएगा और दोनों बॉडीज़ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हम इस मेथड को करेंगे बेटा, नाम है कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड पर न्यूमेरिकल कंसेप्ट हम लोगों से क्या पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके बेटा, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या आता है हमारे पास में। आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। देखो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये हो गया लो पोटेंशियल। समझ आ रही बात? ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। करंट जाएगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट की ही डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से दोनों बॉडीज पर कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, इस पर भी पॉजिटिव आ गया और इस पर भी पॉजिटिव आ गया। ये है हमारा कंडक्शन मेथड। अब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इसके अंदर से क्या पूछा जाता है, हम जरा उसकी बात करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नंबर वन, नोट पॉइंट नंबर वन, देखिए नोट पॉइंट नंबर वन क्या है हमारे पास में। आपको एक बॉडी दे रखी है, इस बॉडी का चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू वन, दूसरी बॉडी का चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू टू। इन दोनों बॉडी का जो साइज है ना, बिल्कुल सेम है, दोनों बॉडी का जो साइज है वो सेम है, दोनों बॉडी का साइज सेम है। साइज सेम होना जरूरी है बेटा, अगर साइज सेम नहीं होगा तो ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम नहीं करेगा। साइज का सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में टच कराया टच कराया या किसी वायर से कनेक्ट किया, ऐसे टच कराया, दोनों बॉडीज़ को हमने टच कराया और टच कराकर फिर वहीं रख दिया जहाँ से हमने इन्हें उठाया था। जैसे ही टच कराकर हमने फिर वहीं रख दिया जहाँ से हमने इन्हें उठाया था, तो इस बॉडी पर जो नया चार्ज आएगा, देखो टच कराया और टच कराकर वहीं रख दिया, तो इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो आएगा बेटा इतना Q1 plus Q2 divided by 2। इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो भी आएगा Q1 plus Q2 divided by 2। ठीक है, यानी टच कराने से पहले ये वाला जो चार्ज है वो बिफोर टचिंग दोनों बॉडीज को कनेक्ट करने से पहले है, बिफोर कनेक्शन, कनेक्ट करने से पहले इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। जैसे ही मैंने दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया, देखो यहाँ भी चार्ज Q1 है और यहाँ भी चार्ज Q2 है, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा। यहाँ नया चार्ज हो जाएगा Q1 plus Q2 divided by 2 और यहाँ नया चार्ज हो जाएगा Q1 plus Q2 divided by 2। इसका एक और पॉइंट देखिए बेटा जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में छोटा सा नोट पॉइंट बना एक बॉडी है मेरे पास में A और इसका चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी बॉडी है मेरे पास में B, इसका चार्ज है जीरो, और दोनों बॉडीज का जो साइज है वो सेम है, दोनों बॉडीज का साइज सेम है, दोनों बॉडी सेम साइज की है। ठीक है, एक बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है, एक बॉडी पर जीरो चार्ज है। हमने दोनों बॉडीज को आपस में टच कराया, ऐसे दोनों बॉडीज को टच कराया आपस में, और टच कराकर फिर वहीं रख दिया जहां से हमने इन्हें उठाया था। तो टच कराकर जब हम वहीं रखेंगे ना, तो इस बॉडी पर जो नया चार्ज आएगा देखो वो कितना आएगा, यहाँ नया चार्ज कितना आएगा, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, यहाँ का चार्ज कितना है जीरो, ऐड करो क्यू प्लस जीरो क्यू डिवाइडेड बाय टू, यहाँ जाएगा क्यू बाय टू और यहाँ भी नया चार्ज आएगा क्यू बाय टू। बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें बेटा। दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए बच्चों, अभी हम एक छोटे से नोट पॉइंट को और डिस्कस करते हैं यहां पर।
एक बॉडी है हमारे पास में जिसका चार्ज है प्लस क्यू वन, दूसरी बॉडी है हमारे पास में इसका चार्ज है माइनस के क्यू टू, और दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, दोनों बॉडीज का जो साइज है वो पूरी तरीके से सेम है, सेम साइज। हमने दोनों बॉडीज को उठाकर आपस में टच कराया ऐसे, ठीक है, यहाँ का चार्ज है प्लस क्यू वन, यहाँ का है माइनस क्यू टू। जैसे ही आप टच कराकर वहाँ रखेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ का चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हमारा कंडक्शन मेथड न्यूमेरिकल्स पर काम करेगा बेटा। तो ये था हमारा लास्ट कंडक्शन मेथड। कल की क्लास में ये जो चार्ज का टॉपिक है ये पूरी तरीके से हमारा फिनिश हो जाएगा और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अब चार्ज के अंदर जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियोस आपके पास में है, आपके स्टडी मटेरियल में आपको असाइनमेंट हमने दे दिया है, क्वेश्चंस वहाँ मौजूद हैं, खूब क्वेश्चंस इसके ऊपर लगाएं और जो भी डाउट आ रहा है वो डाउट हमसे क्लियर करें, ठीक है। कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए, छोटी से छोटी बात को आपको क्लियर करना है बेटा, और अपना होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में।